नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेरे गार्डन की ओवरव्यू दिखाऊंगी। देखिए आपको कैसे लगे। उसके पहले एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल आपको अच्छा लगे देखना तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। ये मेरा नीम का पौधा है। नीम बहुत यूज़फुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। मॉस रोज, इसका फूल अभी बंद हो गया। ये देखिए, ये एक टावर बनाई हूँ मैं। जब पूरा खिले रहते हैं बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, आप भी कीजिए, आपके घर को भी ऐसे ही सजाइए। ये एलामंडा है, एलामंडा में कली आ रही है। ये देखिए, इसमें भी फूल आ गया है। यहाँ मैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा के रखी हूँ। ये कनेर में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, आज भी कई सारे फूल खिले हुए हैं। ये है सफ़ेद अपराजिता। इस कनेर में कली कैसे आया है देखिए फ्रेंड्स, जब फूल खिलता है तो एकदम छुक जाता है ऐसे। ये गुच्छे वाला हिबिस्कस, ये भी हिबिस्कस सदाबहार। ये है विष्णुकांता। ये देखिए मेरा अनार का पौधा, बहुत फूल आ रही है। ये गुलाबी हिबिस्कस। ये देखिए, ये सब रजनीगंधा। यहाँ रजनीगंधा में स्टिक आ रही है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें सफ़ेद फूल आता है, कंचन फूल। यहाँ बेल चल रही है करेला की। यह एक बुगनविलिया है, फूल हुई थी, अभी फिर से फूल आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी नींबू की पौधे की चेहरा देखिए, अभी बहुत धूप है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ आप देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कैसा, इतने छोटे से गमले में कितने सारे फल आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पपीता का पौधा ग्रो की हूँ, इसको रिपोर्ट करेंगे अच्छे से। यहाँ भी रजनीगंधा की स्टिक आई हुई है। ये मुर्ग फूल का पौधा है। यह है मिली स्नेक प्लांट हिबिस्कस। ये मेरा साग की डिपार्टमेंट है, नारी की साग, लाल साग ये लगा के रखी हूँ। इधर देख लीजिए, ये नर्सरी से लाई हूँ। ये है गुच्छे वाले हिबिस्कस, कालांचो, सफ़ेद अपराजिता। ये है केना लीली। ये देखिए, एक छोटी सी लौकी के पौधे में कितनी बड़ी लौकी लगी हुई है देखिए। ये है कनेर, हिबिस्कस। इधर दिखाऊं, ये सफ़ेद कनेर। इधर देखिए फ्रेंड्स, बॉटल काट के लगाई हूँ, कितनी सुंदर फूलों से भरा रहता है। यह है स्थल कमल, बहुत अच्छा फूल आता है। हिबिस्कस, नारी की साग। यह है सफ़ेद अपराजिता। ये देखिए भिंडी, भिंडी दो बार हम लोग खा चुके हैं, फिर से भिंडी आ रही है।
भिंडी आ रही है, यहाँ भी भिंडी आ रही है फ्रेंड्स। देखिए ये है गुच्छे वाले गुलाबी हिबिस्कस, ये एक बेल चल रही है तरोई की। मिर्च के दाना से मिर्च का पौधा उगाई हूँ। ये भी एक तरोई है, ये एक लौकी है। यहाँ देखिए बोरी में करेले की बेल लगाई हूँ। देखिए करेला आ रही है, बहुत सारा करेला आ रही है। ये दिखाऊँ आपको करेला, देख रहे हैं शायद, इसमें भी फूल आ रही है। देखिए चंपा का फूल, यहाँ मैं कुछ कटिंग लगाई थी, सभी लग गए हैं। ये है लौकी, यहाँ भी लौकी। देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी एक लौकी लगी हुई है। इसमें क्लोरोसिस प्रॉब्लम आ गया है, ट्रीटमेंट करेंगे हम। इधर भी भिंडी, देखिए भिंडी आ रही है। ये ओवर व्यू दिखाने का मेरा एक ही मकसद है फ्रेंड्स, ताकि आप मोटिवेट हो सके और आप भी ऐसा गार्डनिंग करने के प्लान बना सके। आप भी गार्डनिंग कीजिए फ्रेंड्स, और चारों तरफ हरियाली लाइए, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए सहायता कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो गया ओवरव्यू। आज की वास्तु टिप बता दूं, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो बच्चे की पढ़ने की जगह घर की उत्तर पूर्व की दिशा में कीजिए। स्टूडेंट के लिए उत्तर पूर्व की दिशा सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए ऐसा करने से बच्चे के पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी ज़िंदगी भी पीसफुल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहाँ तक। नमस्कार, टाटा।